भाई और बहनों, इनकी नीयत ना तो किसान का हित करने की है और ना ही नौजवान का हित करने की है। ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं, तभी यहां घमासान मचा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहां की सरकार का नाटक देश न देखता हो। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। सत्ता की मलाई के लिए विधायक होटलों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अनेक नेता अपने प्रभुत्व की लड़ाई में जुटे हैं। साथियों, सबका पंचम बैग यहां के मुख्यमंत्री है। आए दिन मुख्यमंत्री को धमकियां मिलती रहती हैं। मुख्यमंत्री की पूरी ऊर्जा दिन रात कांग्रेस ने उनके बड़े बड़े नेताओं से कुर्सी बचाने में लगी रहती है। वो सार्वजनिक तौर पर अपनी मजबूरी का रोना रोते रहते हैं। ऐसी मजबूर सरकार, इतना मजबूर मुख्यमंत्री, जिसे हर कोई चुनौती दे रहा है, सरकार का इंचार्ज कौन है इसको लेकर भी भ्रम है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका का ये मजबूर मॉडल, ये मॉडल वो देश पर भी थोपना चाहते हैं। एक ऐसा मजबूर मॉडल जहां सरकार का मुखिया कोने में रोता रहे, फैसले नामदार के महलों में होते रहे, मलाई पर हाथापाई होती रहे और दुनिया देश पर हंसती रहे, यही मॉडल ये देश पर थोपना चाहते हैं। साथियों, नया भारत मजबूरी का नहीं, मजबूती का मॉडल चाहता है। आपका एक एक वोट तय करेगा कि बेईमान रहेगा या फिर ईमान, विकासवाद चलेगा या वंशवाद, पॉजिटिविटी चलेगी या नेगेटिविटी, क्लैरिटी चाहिए या कंफ्यूजन। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब भविष्य के भारत के मूल्यों को तय करने वाला है।